इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट समझने के लिए सबसे पहले दो सेट हम लोग लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, कॉन्सिडर टू सेट्स एक सेट हम लोग लेते हैं ए, और ए के अंदर में एलिमेंट जो है वो हम लोग ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, और एक सेट हम लोग लेते हैं बी जिसके अंदर में एलिमेंट है आपका 2, 4 और 6। अब अगर हम लोगों को ए माइनस बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ए माइनस बी मतलब कि हम लोग को वो एलिमेंट लेना है जो आपका ए में तो रहेगा मगर बी में नहीं रहेगा, ए में रहेगा मगर बी में नहीं रहेगा। उस प्रकार का एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे है 1, 3 और 5। कैसे? देखिए, 1 आपका बी में नहीं है और 3 भी आपका बी में नहीं है और 5 भी आपका बी में नहीं है, 2 और 4 बी में है, 2 और 4 बी में है, ठीक है, मगर आपका ए में भी है। ठीक है, मतलब देखिए इस तरह से ऐसा एलिमेंट लेना है, एक्स ऐसा एलिमेंट रहेगा जो कि ए में बिलोंग करेगा मगर एक्स जो है वो बी में नहीं रहना चाहिए, बी में नहीं रहना चाहिए। बात समझ रहे ना, एक्स बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए माइनस बी अगर होगा, नहीं ठीक लिख रहा था मैं, एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए है, 3 बिलोंग्स टू ए है, 5 बिलोंग्स टू ए है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी है और 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी है। बात समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बी माइनस ए का बात करें तो देखिए बी का एलिमेंट 2, 4 यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है 6 जो कि ए में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 6 आएगा। और इसका ऐसा रहता है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अभी कंपेयर करिए, 6 बिलोंग्स टू बी बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या ए का एलिमेंट में 6 है? नहीं है, मगर बी में है ना, तो इसी कारणवश यहाँ पे हम लोग बी लिए हैं। और यहाँ पे भी देखिए ए का सारा एलिमेंट लिए है मगर उस एलिमेंट को हम लोग नहीं लिए जो बी में भी मौजूद था। इसी तरह से हम लोग डिफरेंस निकालते सेट का। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सेट ए न्यू सेट हैविंग दोज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, जो ए में रहेगा मगर आपका बी में नहीं रहेगा। ठीक है, नॉट इन बी ईच सेट टू बी द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी एंड इट डिनोट बाय ए माइनस
बी। और सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं ए न्यू सेट हैविंग दोज एलिमेंट विच आर इन बी एंड नॉट इन ए इज सेट टू बी डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड ए, और उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं बी माइनस ए से, अगर हम लोग उल्टा पकड़े तो, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, ए माइनस बी का अगर हम लोग देखें, ए माइनस बी, तो इसके अंदर में किस प्रकार का एलिमेंट आना चाहिए, एक्स एक एलिमेंट होगा सच दैट कि एक्स जो होगा वो ए में बिलोंग करेगा, वो ए में बिलोंग करेगा एंड एक्स जो है वो आपका बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार से बी माइनस ए का अगर हम लोग इस तरह से लिखे बी माइनस ए का, तो कैसा होगा, एक्स जो होगा एलिमेंट होगा इस सेट्स का, एक्स बी में तो बिलोंग करेगा मगर एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू अगर दिखाना चाहे, जैसे कि ए माइनस बी का अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहे, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हम लोग बना लेते हैं और उसके बाद में फिर एक सर्कल और एक सर्कल, ठीक है ना। तो ऐसे ये हो जाएगा आपका ए माइनस, ठीक है। अगर ये डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया हो आप लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।